भैया देख बिना ब्रेक के डाउनलोड टक ऐप। इराक में अमेरिका के दो सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमले के करीब 24 घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया से मुखातिब थे। सबकी उत्सुकता इस बात में थी कि कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के बदले में ईरान ने अमेरिकी हितों पर जो मिसाइल हमला किया है उसका ट्रंप किस तरह जवाब देते हैं, लेकिन उम्मीद के विपरीत उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे तनाव में इजाफा हो। The fact that we have this great military and equipment, however, does not mean we have to use it. We do not want to use it. American strength, both military and economic, is the best deterrent. ट्रंप का संकेत साफ है कि ईरान पर और सैनिक ताकत का इस्तेमाल करना अमेरिकी एजेंडे में नहीं है, लेकिन ट्रंप ने ईरान में और सख्त आर्थिक पाबंदी लगाने का ऐलान करते हुए साफ कर दिया है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति होते हुए कभी ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। Finally, to the people and leaders of Iran, we want you to have a future. And a great future, one that you deserve, one of prosperity at home and harmony with the nations of the world. The United States will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime. गुरुवार को अमेरिका ने ड्रोन हमले में ईरान के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। इससे ईरान बुरी तरह भड़का हुआ है। लेकिन ट्रंप ने अमेरिकी फैसले को सही बताते हुए फिर दोहराया कि सुलेमानी आतंकी था और उसे पहले ही खत्म कर दिया जाना चाहिए था। Soleimani's hands were drenched in both American and Iranian blood. He should have been terminated long ago. By removing Soleimani, we have sent a powerful message to terrorists. If you value your own life, you will not threaten the lives of our people. ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देने के साथ शांति का हाथ तो बढ़ा लिया, लेकिन इसके चंद घंटे बाद ही बगदाद के अति सुरक्षित ग्रीन जोन में एक बार फिर रॉकेट हमले की खबर आ गई। बगदाद के ग्रीन जोन के अंदर दो कत्युषा रॉकेट दागे गए। हमले में किसी नुकसान की खबर नहीं है।